मैडम, जो आज कोटेदारों की मीटिंग हुई है, इसमें क्या है पूरा? ये पल्लेदारी के संबंध में है, जो कोटेदारों से पल्लेदारी ली जाती है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है। और इस संबंध में तिवारी जी भी आए हैं कि इतनी ज़्यादा पल्लेदारी क्यों है, जिनके पल्लेदारी की पल्लेदारी। कोटेदारों का आरोप है कि उनको यहाँ से राशन की तुलाई ठीक से नहीं होती, उनको धर्म काटा नहीं कराया जाता, जबरदस्ती उनको बोरी दी जा रही है 52 किलो 51 किलो लगा के, ऐसा आरोप है। इसमें क्या सत्यता है मैडम? इसमें सत्यता कोटेदारों से ही पूछिए भाई, यहाँ पे काटा नहीं है, इसके लिए लिख के दिया जा चुका है जी। और उसके बाद मैडम, कोटेदारों का आरोप यह भी है कि प्राइवेट लोग गोदाम चला रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पाते, कोटेदार को विष्णु नाम का व्यक्ति है वो गोदाम चला रहा है, ऐसा कोई मामला है क्या? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गोदाम चला रहा है, गोदाम तो शायद हम ही अधिकारी हैं, हम चला रहे हैं। अच्छा मैडम, इनको तो है जो वो पर्ची दी जाती है वो भी नहीं दी जा रही, इनको क्या है पूरा मामला? कोटेदार कह रहे कि पर्ची तो मिलती नहीं है, कोई भी चेकिंग करे तो मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि हो सकता है कि जब पिछली बार खाद हुआ हो, एक दिन में 25-30 लोग का उठा हो, तो संभव ना हो पाया हो, और संगठन तो बता ही रहा है, इधर उधर से भी खबर मिल रही है नेताओं के द्वारा भी, लेकिन जरा सरकारी कर्मचारी से भी पता लगाया जाए कि जवाब और ये लोग आपके पुलिस वाले के साथ के लिए तो होंगे, आपको सरकारी जानकारी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यपाल। कहाँ रहने वाले हैं? दीदीपुर। आप कोटेदार हैं जी। क्या गढ़तौली की क्या शिकायत है, क्या है पूरा? पहले 51 किलो बोरी लगती है हमारे लोगों को। 51 किलो बोरी लगती है, मिलता कितना है? 50 किलो, मतलब 3-4 किलो कम निकलता है सब में। अच्छा, मतलब जो लेबर रेट है क्या रेट है? 5 रुपए रेट है। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी 2 रुपए बताया था साहब ने। 2 रुपए बताया था, मतलब 3 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। 4 रुपए कुंटल बताया था। 4 रुपए कुंटल, तो आप तो लगभग कितना पड़ जाता है? 10 रुपए करीब पड़ जाता है। 10 रुपए कुंटल पड़ता है। 10 रुपए कुंटल पड़ता है। ये समस्या कब किस तब से चल रही है, कितने दिन से चल रही है? तो आपने भी समस्या को अधिकारी को किसी बताया? अभी जो मीटिंग हुई है बताया गया, इससे पहले कभी कुछ बताया ही नहीं गया। 5 रुपए बोरी हम लोगों से लगता कम मिल रहा है, फिर जो कम मिल रहा है वो कैसे एडजस्ट करते हो? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को घाटा हो रहा है। इसके लिए हमको मना किया गया कि आप जो है किसी राजनेता की सिफारिश नहीं करेंगे, जब तुम्हारा कोई मामला व्यक्तिगत है तब आप करिएगा। रात में बड़ा दुखी मन से हमने उनको फरमा लाया। कहाँ रहने वाले हैं? दीदीपुर। आप कोटेदार हैं जी। ये क्या गढ़तौली की क्या शिकायत है, क्या है पूरा? 51 किलो बोरी लगती है हमारे सब लोगों को। 51 किलो बोरी लगती है, मिलता कितना है? 50 किलो, मतलब 3-4 किलो कम निकलता है सब में। अच्छा, मतलब जो लेबर रेट है क्या रेट है? 5 रुपए बोरी लगते हैं पल्लेदारी। 2 रुपए बताया था साहब ने। 2 रुपए बताया था, मतलब 3 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहा है। 4 रुपए कुंटल बताया था। 4 रुपए कुंटल पलता है। 10 रुपए कुंटल किस दिन चली रही? तो आपने भी समस्या को अधिकारी को किसी बताया? अभी जो मीटिंग लेने गया 5 रुपए बोरी हम लोगों से लगता कम मिल रहा है, फिर जो कम मिल रहा है एडजस्ट का तो ऐसे ही हुआ सब कुछ। सब कुछ करते हैं किलो।
भैया क्या नाम है आपका? मुला कैमरे में कुंती देवी कोटेदार कुटदार हैं। तो भाई क्या समस्या आपकी आ रही है यहाँ पे? समस्या क्या, हमने बिजली आए थे उस बार, हमने 120 बोरी लगवाई, उसमें मेरा 110 बोरी का जो हुआ लगभग, तो 5 क्विंटल कम राशन मिला हमें। 5 क्विंटल राशन कम मिला? 5 क्विंटल कम मिला, यहाँ कांटा करवा के आया, मैडम ने देखा इतना हम नहीं दे पाएंगे, साहब मना कर दिया, तो हम लौट गए। फिर क्या करते, डीएम साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अच्छा, जो आपको कम राशन मिलता है तो आप बांटते फिर कैसे लोगों को कम, आप भी बांटते होंगे? मजबूरी है, फिर क्या करें। अच्छा, आपने कभी उच्च अधिकारियों से या कहीं अपने अध्यक्ष से कभी शिकायत करी कोई? एक बार नहीं, चौधरी साहब से कहा था कि सर राशन कम मिलता, उन्होंने कहा मैडम से अभी यही कहती है कि नहीं मिल पाएगा पूरा। अच्छा, जो आप ऊपर भी देखना पड़ता है। अच्छा, जो आप कांटा कराते हैं वो यहाँ आपके गोदाम में नहीं होता क्या? गोदाम वाला कांटा यहाँ कभी हुआ ही नहीं है, ये खराब ही रहता है कांटा। तो आपने कभी अपने अधिकारियों से शिकायत करी ये कांटा खराब रहता है, उसमें क्या समस्या? हाँ, उस दिन हमारे कोटेदार लोगों ने कहा था कि एसडीएम साहब से कि कांटा जो वहाँ लगा हुआ है गोदाम पे, वो कांटा खराब है, कभी सही भी नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हर जगह गोदामों पर राजेपुर में 2 रुपये पैकेट के हिसाब से पल्लेदारी दी जा रही, यहाँ 5 रुपये पैकेट दी जा रही। उस दिन एसडीएम साहब ने कहा कि देखो इसका समाधान निकालेंगे। 51 किलो की जो बोरी है जिसमें 1 किलो का बोरा भी शामिल होता है, इसमें 50 किलो की जो बोरी है इसमें कितना वजन एक में निकलता है या सभी में कम निकलता है? सभी में 47 से 48 किलो से नीचे ही रहता है, किसी में 51 किलो नहीं निकलता है पूरा। अच्छा, और कायदा में निकलना चाहिए 51 किलो? 51 किलो निकलना, 51 किलो के लगाते हैं, कोई तकबट्टी नहीं देते हैं, यही कोई लिखा पड़ी रखते हैं, कोई अधिकारी मिल जाए उसका कुछ प्रूफ ही नहीं मेरे पास। अरे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली चल रही है गोदाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ध्यान सिंह, कोटा तो कमला देवी नाम से। इनकी पत्नी है। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? मतलब क्या दिक्कत आ रही है आपके कोटे में? मतलब दिक्कत सर और कुछ नहीं, ये राशन उठाते हैं वो कम मिलता है, कांटा कराते हैं उनका मिलता नहीं। अच्छा, कितना कम लोग राशन मिलता है आपको? कल जो हमने उठाया था उसमें 3 क्विंटल 14 किलो का मिला। 3 क्विंटल 14 किलो कम है। मेरे पास तक पट्टी है, वो दिखा दो। गढ़तौली शिकायत की गई अभी तक किसी अधिकारी से? हमने 18 तारीख को वहाँ कहा था, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा? कहा था अब नहीं होगा, लेकिन तब भी होता है। और इसमें मैडम जी, मैडम क्या कहती हैं कुछ? मैडम से कल हमने वो दिखाई तो कांटे वाली पट्टी, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे कि वो ट्रैक्टर का रुपया, जबकि ट्रैक्टर उसका कांटा हो चुका था। अच्छा, तो आप कई बार शिकायत कर चुके पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है? गढ़तौली कब की है? महीनों चल रही है। आप कभी जो है कांटा कराया ही नहीं, करा ले तो फिर मिलता नहीं। और ये आपके गोदाम पे कांटा नहीं होता क्या? गोदाम पे हाँ, कहाँ बाहर वो उस पर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता ना। मतलब यहाँ पे गोदाम पे भी कांटा लगना चाहिए? यहाँ तो कांटा है ही नहीं। है नहीं, वो खराब है, कांटा तो लगा हुआ है लेकिन वो चला नहीं है। मेरे पास शॉट पर है पहले से कांटो खराब वाले। पहले आज तीन चार एक बार यहाँ तो लाए रे कल।
अध्यक्ष जी आज किस कारण मीटिंग बैठी हुई है आपके कोटेदारों ने? ये पहली चीज तो मैं अपनी संस्था का नाम आपको बताऊं, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन इकाई उत्तर प्रदेश जनपद फरुखाबाद का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है जी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, यहाँ कमालगंज गोदाम की काफ़ी चर्चा थी, यहाँ पल्लेदारी बहुत अधिक पड़ती है, कोटेदारों से कोटेदारों का शोषण किया जाता है, पल्लेदारी के नाम पर अन्य अनियमितताएँ भी हैं। तो उसी संबंध में अभी जो लेबर का ठेकेदार था उससे बात हुई है और उसने अपने ठेकेदार से बात की है, यहाँ 5 रुपये कुंटल की बात हो रही थी और यहाँ 10 रुपये कुंटल तक पल्लेदारी बढ़ती है, 5 रुपये बोरी। जिस हिसाब से कोटेदार आरोप लगा रहे हैं उनको जो राशन कम मिल रहा है उसका, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए राशन अभी गोदाम प्रभारी मेरे पास है और इस विषय में मैं अभी बैठ के मेरी इनसे इस संबंध में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, कोटेदारों ने बताया है मुझे भी ऐसा अवगत हुआ है, मैं अभी इनसे इस संबंध में चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद ही मैं कुछ स्पष्ट बात बता सकता हूं कि कब मिला तो कैसे मिला क्यों मिला। कोटेदारों का कहने मतलब कि कभी भी राशन यहाँ से तोल के नहीं मिलता है, उनको कांटा कराना पड़ता, उसमें कई बार 5-5 कुंटल 4-4 कुंटल कम मिलता है। मैंने बताया ना कि मैं अभी इस संबंध में गोदाम प्रभारी से बात कर रहा हूँ, कई कोटेदारों ने मुझे भी ये बात बताई है, तो चूंकि मेरी अभी इनसे इस संबंध में बात नहीं हुई कि कांटा होता है तो कांटा के बाद जो खाद्यान्न कम होता है वो ये क्यों नहीं देती हैं या देती हैं किस तरीके से देती हैं। अगर सर कोटेदार को कम राशन मिलेगा तो कोटेदार कैसे देगा? नहीं दे सकता है, उसके आगे बहुत समस्या है और सरकार पूरा राशन बंटवाने के लिए प्रयासरत है और बंटवा रही है और थम्ब लग के वितरण होता है। कोटेदार बहुत ही असमंजस की स्थिति में है और उसको न तो इस वक्त कमीशन मिल रहा है, न भाड़ा मिल रहा है, न पल्लेदारी मिल रही है, कोटेदार स्वयं में भुगतानी भी कतार पे और ऊपर से ये सब व्यवस्थाएं जो हैं ये बहुत ही चिंतनीय है और दयनीय है। मैं महोदया से बात करूंगा और बात करने के बाद जो भी मतलब निष्कर्ष निकलता है मैं आप लोगों को।